हे भगवान, न जाने इस वक्त वो किताब कहाँ होगी। पिछले साल 2013 में भी कार्तिक पूर्णिमा की रात जब रोशनी दिखाई दी, उसके ठीक 10वें दिन जब मंदिर के पुजारी यथावत पूजा कर रहे थे, तब प्रमुख पुजारी अचानक बेहोश हो गए। अरे बाप रे, इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, जो कुछ हुआ उसे देखते हुए 11 दिनों तक इस मंदिर को बंद करके रखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? आपको पता है, सैकड़ों सालों से हम बिना किसी रुकावट के मंदिर के चौखट पर दीप जलाते हुए आ रहे हैं। और 10 दिन बाद सुब्रमण्यम षष्ठी भी है, आप लोग भगवान को क्यों रोक रहे हैं? भगवान हो चाहे इंसान हो, सभी के लिए रीति रिवाज एक ही होंगे ना। आप चाहे जो भी कहें, मंदिर को बंद करके दीप आराधना खंडित करना असंभव है। तो फिर जो अनर्थ होगा उसके लिए भी तैयार रहना होगा। नियम की सीमा को लांघने से क्या परिणाम आते हैं खुद देख लेना। चलो रे। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब मंदिर खोला गया, तब एक प्रेमी जोड़ा सांप के काटने से मरा हुआ था। रात के समय मंदिर में कई लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती रही। मंदिर के बारे में धीरे धीरे लोगों में डर बढ़ता चला गया और लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। मुख्य तौर पर शाम के समय बस मंदिर में स्वामी जी ही जाकर दीपक जलाते थे। और एक दिन जब वो शाम को मंदिर में दीप जला रहे थे, तब मेरी बातें किसी ने मानी नहीं ना। एक तरह से इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं। मंदिर में अगर भगवान होते तो इतना अन्याय, इतनी मौतें होती क्या? बस अनर्थ हुआ है। गांव गांव में डर फैलता जा रहा है। मंदिर की सारी प्रसिद्धि इसीलिए खाक में मिल चुकी है। मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूं, इस मंदिर में भगवान नहीं है। बिना भगवान के मंदिर को खोल के रखना हमारे लिए ही नहीं, इस पूरे गांव के लिए खतरा है। तो फिर मंदिर को बंद करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सैकड़ों सालों से हम लोग इस मंदिर को पूजते आए हैं और अब इस मंदिर को हमेशा के लिए कैसे बंद कर दें? हमेशा के लिए बंद करना ही होगा शास्त्री जी। अगर सच में वो सुब्रमण्यम स्वामी हमारे या गांव के लिए दया भाव से वापस आए, तो अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात को जरूर उस रोशनी के रूप में दिखाई देंगे। बस उस दिन के बाद से हम विधिवत तरीके से पूजा करके षष्ठी कार्यक्रमों को खुशी के साथ मना सकते हैं। और अगर रोशनी नहीं आई तो? सोचना क्या, हमेशा के लिए मंदिर बंद करना होगा बस। हे भगवान, अशुभ बातें मत कीजिए, मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सभी के मन में ऐसा ही है शास्त्री जी, मन मान नहीं रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मंदिर को बंद कर दो। मंदिर को बंद करने के 2 ही महीने बाद लोग मंदिर की बातों को भूल गए। लेकिन इस बात को उजागर करने के लिए एक दिन गांव में एक टीवी चैनल वालों ने आकर मंदिर की बात को जानने की कोशिश की, पर वो भी एक एक्सीडेंट में मारे गए। इस बात से लोगों का डर और बढ़ गया, क्योंकि इन मौतों के पीछे जो कारण था। इसमें क्या है पता है? आपने पढ़ी है ना? मतलब ये सब सच है क्या? अगर ये सब सच है तो मौत की असली वजह क्या थी वो भी लिखा होता ना। ये मौत ये सब इस किताब की वजह से। प्लीज यार, तुझे तो मेरी आदत पता है ना। पता है यार, तुम्हें एक सवाल का जवाब ना मिले तो रात को नींद नहीं आती। ऐसे में इतने सारे सवाल हैं, तुझे तो खाना भी नहीं उतरेगा। लेकिन नींद या खाने से जरूरी हमारी जान होती है ना। ओए, ये गांव के लोग हैं, भरोसा करते हैं। हम साइंस स्टूडेंट्स हैं यार, हम भी भरोसा करेंगे तो? तू नहीं मानेगा। आप साइंस वाइंस पढ़ते हो तो सबको पता है, लेकिन काटने वाले सांप को थोड़ी पता है। क्या कहा तूने, सांप?
वो कपड़े वन मिनट मैं आता हूँ। एक छोटा सा डाउट है, शहर के तुम्हारे ड्रेसिंग में और यहाँ के ड्रेसिंग में इतना अंतर क्यों है? ओ, तुम दारू पीते हो क्या? चेहरा देख के ही समझ में आता है कि जरूर पीते हो। तुम माँ के सामने पीते हो? छी 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 छी। चांस ही नहीं है, है ना? ये भी वैसा ही है, वो शहर था, वहाँ कोई नहीं था, यहाँ पापा है इसलिए रेस्ट्रिक्शंस है। ओके। क्या सोच रहे हो वाणी? तुम्हारी बातों में तो गुस्सा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आता है। कंफ्यूज करके कन्विंस करने की कोशिश मत करो, मेरी लाइफ मेरे हाथों में नहीं है, मेरे पापा जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी करूंगी, हम ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे पास है तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? कैसी बातें करती हो तुम? ठीक है बताया ना, अब सीधे तुम्हारे पापा से ही बात कर लूंगा। वो आएगा क्या? वो सिर्फ बोलने वाले लोगों में से है, यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उसमें। एक्सक्यूज मी सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। ये तो सच में आ गया। बैठो। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी एक बार बस स्टॉप पर हम हाँ बस में। अच्छा बताओ बेटा यहाँ कैसे? मेरा नाम कार्तिक है, आपकी बेटी के साथ मैं भी फ्री मेडिकल कैंप पर आया हूँ। बहुत खूब, आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। वैसे आपके गांव के मंदिर का प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ लेकिन उस मंदिर के बारे में मेरा कहना और तुम्हारा जानना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं उसे आप भी मानते हैं? कुछ लोग झूठ पर सोचे बिना विश्वास करते हैं और कुछ लोग सच पर विश्वास करने के लिए सोचते हैं लेकिन विश्वास करते हैं। मतलब वो विश्वास नहीं है सर, अंधविश्वास है। विश्वास और अंधविश्वास में ढाई अक्षर का ही अंतर है लेकिन उस अंतर ने हमारे समाज को हजारों साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, गोल घूमने वाली पृथ्वी के पीछे सच क्या है सर? ये यथार्थ है या अज्ञान है कह के आप कैसे फैसला कर सकते हैं सर? खुद की रक्षा करने के लिए लोग विभूति लगा लेते हैं लेकिन राख को सर पर लगा लेने से खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं सर? तुम्हारे पूछे गए हर सवाल का जवाब मेरे पास है लेकिन उसे समझने के लिए ना तो तुम्हारे पास अनुभव है और ना ही तुम्हारी उम्र। ओके सर, बात यह है कि मैं वाणी से प्यार करता हूँ। मैंने उसे ये बात पूछी तो उसने मुझे आपसे बात करने को कहा। दरअसल वो क्या है ना पापा? तुम बोलो। थैंक यू सर, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मैं वाणी को हैदराबाद से ही पसंद करने लगा था और हिम्मत जुटाकर मैंने प्रपोज भी कर दिया था। मैं जानता हूँ कि अगर आप हाँ नहीं करोगे तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो बेटा, तुमने बात साफ साफ कह दी, अच्छा लगा मुझे। मैं इस गांव में सभी की कुंडलियां देखकर मुहूर्त बताता हूँ और इसीलिए मेरी इकलौती बेटी की शादी कब होगी कहाँ होगी इसकी जानकारी मुझे भी है। कुंडली देखकर उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा ये तो बता सकता हूँ, शायद तुम समझ गए होंगे। ओके सर, मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे ये समझ में आ गया। थैंक यू मणि, कॉफी बहुत अच्छी थी। कार्तिक कहाँ है? नहीं पता। इस काले को पूछता हूँ। ए कार्तिक को देखा क्या? नहीं देखा यार। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? भगवान, तुम्हारी कहानी में मैं एंटर कर रहा हूं।
अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, क्या हुआ बताना, क्या हुआ? सांप, बंद कराओ ना सांप, यहाँ पे कहाँ पे? मैंने बोला था ना, बोला था ना सांप को कुछ नहीं पता। तू अपना मुंह बंद कर, इसे देखकर क्या सीखा तूने? बाहर पेशाब करना। मैंने यही देखा था। इसे अंदर लेकर आओ, चले चल अंदर, चल चल, सांप सांप करता है, चल। मेरा भरोसा करो यार प्लीज। क्या अंदर चल।